वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं कपिल आज अपने सांझे चूल्हे च बनाउन लगा पंजीरी। तो पंजीरी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़े जे समान लगते ने, वह समान भी तुसी अपने हिसाब नाल एडजस्ट कर सकते हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करने अपनी पंजीरी बनाना। सो पंजीरी बनाने सब तो पहला मैं पैन के अंदर पा लाँगा देसी घ्यो। सो देसी घ्यो के अंदर मैं हूँ पाउन लगा गेहूँ का आटा। तो आटे नूं चंगी तरह मीडियम फ्लेम के उत्ते मैं भूनागा। इनू टाइम लगता है कुछ 15 to 20 मिनट। तो तुसी अगर जल्दी है तो गैस तेज़ ना करना, क्योंकि इनू फिर भी टाइम लगना है 15 to 20 मिनट। थोड़ा पेशेंस का काम है, क्योंकि आटा जेड़ा है नहीं, जे तुसी गैस तेज़ कर दोगे तो आटा तो ब्राउन हो जाएगा, बट कच्चे पन का टेस्ट आएगा तो वो पंजीरी थोड़ी वो टेस्टी नहीं बनेगी। तो करके मीडियम फ्लेम के उत्ते मैं इनू भूनागा तद तक जब तक ये अंदर बहुत ही सौंधी जी खुशबू नहीं उठन लग पैंदी। तो वो बहुत डार्क ब्राउन तो नहीं, बट थोड़ा सा डार्क ब्राउन से थोड़ा जहा पहले वाला ब्राउन कलर आ जाएगा। की आएगा देखने केड़ा कलर आएगा। से आटे नू आपा विच हिलांदे रहेंगे ताकि आटा जड़ा है वो तली तो जले ना लगे ना। तो सिम गैस मैं करती है, तो हूँ तद तक वो आटा भुन रहे हैं, तद तक आप बाकी अपने काम शुरू करने हैं। अच्छा मेरे को तिल सफ़ेद वाले तिल ने, मैं इन्हों ड्राई रोस्ट कर लाँगा ताकि इन्हों का जोड़ा कलर है वो भी चेंज हो जाए। बहुत ही सोहना इन्हों का नटी फ्लेवर भी आ जाए पंजीरी दे विच। तो तिल हल्के हल्के भुन गए हैं, इन्हें मैं निकाल लेता हूँ अलग से प्लेट के अंदर। और अब इसी पैन के अंदर मैं डालूँगा थोड़ा सा घी। तो क्यों गर्म हो गया, हूँ मैं ये पाउन लगा गोंदा। इन्हां नूं मैं फ्राई करांगा 1 मिनट के वास्ते। तुसी वेखोगे जदों ही तुसी पाओगे गुंदा नूं घिओ दे विच, ये मिनटां च बिल्कुल फुलने लग पैणगियां। तो बस मैनूं हुण ध्यान रखना थोड़ा जिहा, इहनूं ज़्यादा नहीं मैनूं भुनना। तो गुंदा साडियां बहुत सोहणी तरीके नाल फुल गईआं ने, मैं इन्हां नूं हुण कढ लाँगा प्लेट दे विच। हुण सेम पैन दे विच मैं पावांगा होर थोड़ा का जिहा घिओ, ते इहनूं भी मैं चंगी तरह गर्म कर लाँगा पहला। ते विच ही आपां अपने आटे नूं भी चलांदे रहिएगा ताकि थल्लों ऐ लगे ना। बस कुछ मिनटां च ही ये पंजीरी बन के हो जाएगी बिल्कुल तैयार। सो नैक्सट घिओ दे विच मैं पावांगा थोड़ी की जी मेरे कोल कमर कस हैगी है, ते इहनूं भी मैं चंगी तरह भुन लाँगा घिओ दे विच तकरीबन 1 मिनट लई। ते बस हो गई है साडी भुजी गई ने, चंगी चंगी क्रिस्पी हो गई ने। इन्हां नूं भी मैं कढ लाँगा हुण थाली दे विच। सो नैक्सट सेम पैन दे विच मैं फिर पावांगा थोड़ा का जिहा घिओ, ते हुण मैं बादाम ते काजू हल्के हल्के जे घिओ दे अंदर रोस्ट कर लाँगा। बस पंजीरी दा साडा आटा हो गया है, बस मैं इहनूं शिफ्ट कर देना दूजी गैस ते, ते जिहड़ा घिओ है इनू मैं शिफ्ट कर देना इत्थे हाई फ्लेम ते। तो फिर जिहड़े साडे कोल बादाम सीगे वो मैं पा देना। बस एक एक करके मैं पावांगा पहला बादाम ते फिर उसके बाद काजू, क्योंकि काजू का जिहड़ा रोस्टिंग टाइम है वो लैदा है वो वखरा है, ते बादाम का रोस्टिंग टाइम थोड़ा जिहा ज़्यादा है काजू वालों। सो बादाम साडे रोस्ट हो गए ने, इन्हां नूं भी मैं कढ लाँगा थाली दे विच। तो इसी घिओ के अंदर मैं हुण काजू रोस्ट कर लाँगा। बस हल्का हल्का रोस्ट करना है, ये उत्ते ब्राउन कलर की हल्की हल्की चिट्टी आ जाए। बस ये काजू हल्के हल्के रोस्ट हो गए ने, इन्हां नूं भी मैं कढ लाँगा थाली दे विच। ते काजू ते नाल बादाम इन्हां नूं मैं दर दरा कूट लियाँगा हमाम दस्ते दे अंदर। तो सेम घिओ के अंदर भी मैं हुण फ्राई कराँगा मखाणिआं नूं। इन्हां नूं भी मैं 1 मिनट वास्ते सौते कर लाँगा चंगी तरह। से मखाने भी साढ़े पुज गए ने चंगी तरह, इन्हां नूं भी मैं हुण कढ लाँगा एक अलग प्याली दे विच। हाँ जी, तो साडा सारा पंजीरी दा समान बिल्कुल तैयार है, आटा तैयार है, इत्थे गोंदा तैयार ने, ते इत्थे मेरे कोल एक काजू ते बादाम जिहड़े मैं रोस्ट किते सी घिओ दे विच वो भी मैं दरदरे इन्हां नूं कुट लिया कुंडी डंडे दे विच। ते हुण की करिए, हुण साडे कोल टाइम हैगा कि हुण आपां इहदी असैंबली करांगे। तो सब तो पहला मिक्सिंग बोल दे विच जाएगा ये भुज्जा होया आटा, बहुत ही सोहना इहदा कलर। ते
ਹੁਣ ਆਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਤਿਲ ਤਿਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਦਾਮ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਜੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਖਾਣੇ ਮੈਂ ਰੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਰ ਕਸ ਤਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮਰ ਕਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਂਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿੰਜਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕੇ ਬਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਮੇਨ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਮਿੱਠਾ ਇਹਦਾ ਕਾਹ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੂਰਾ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਗਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੂਰਾ ਯੂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬੂਰਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਕਸ ਹੁਣ ਸਰਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੀਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸੰਜੀਵ ਕਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਦ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਟੇਕ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ